हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जीरो ज्योमेट्रिक टॉलरेंस विथ मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन। ठीक है, तो इसको ऐसा क्यों यूज किया जाता है? नॉर्मली इसका मतलब क्या होता है कि आपको कोई भी ज्योमेट्रिक टॉलरेंस नहीं दिया हुआ है। ठीक है, मतलब कोई भी फ्रीडम नहीं है मूवमेंट के लिए। ठीक है, बट मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन क्यों दिया हुआ है? जब अगर जीरो ज्योमेट्रिक टॉलरेंस है तो फिर मैक्सिमम मटेरियल की कंडीशन की जरूरत क्या है? तो इसकी जरूरत ऐसी है कि आप जब मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन जब ऐड करते हो तो ये आपको बोनस टॉलरेंस अलाउ करेगा। ठीक है, जब भी आपका फीचर साइज, जैसे मान लो आपका एमएमसी इस केस में क्या होगा, 4.8 होगा, राइट? ये होगी आपकी मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन। तो इस कंडीशन पे आपका ज्योमेट्रिक टॉलरेंस भी जीरो रहेगा और मैक्सिमम बोनस टॉलरेंस भी जीरो रहेगा। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ जाएगा, जैसे ये 4. मान लो 4.9 हो गया, तो आपका ज्योमेट्रिक टॉलरेंस तो जीरो ही रहेगा, लेकिन आपका बोनस टॉलरेंस है वो 0.1 हो जाएगा। ठीक है, जब आपका ये 5 हो जाएगा डायमीटर, फीचर साइज जो है वो 5 हो जाएगा, तो ये आपका 0.2 हो जाएगा। सिमिलर वे जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा एलएमसी की तरफ, वैसे वैसे आपका बोनस टॉलरेंस जो है वो बढ़ता जाएगा। दैट्स द ओनली थिंग। ओके, आपका ज्योमेट्रिक टॉलरेंस तो वो तो जीरो का जीरो ही रहेगा। ठीक है, वो तो उसके अंदर कुछ बढ़ोतरी नहीं होने वाली है, ना उसके अंदर कोई घटा होगा, वो सेम रहेगा। लेकिन आपका एमएमसी की वजह से बोनस टॉलरेंस मिल जाएगा। दैट्स व्हाई जब भी कभी कभी आप ऐसे केस देखेंगे कि जहां पर ज्योमेट्रिक टॉलरेंस जीरो है लेकिन एमएमसी दिया हुआ है, तो उसका मतलब ये होता है, उसको सिर्फ एडवांटेज ये रहेगा कि आपको बोनस टॉलरेंस मिलेगा। सो होप यू, आपको ये जो कंसेप्ट थी ये समझ आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है ना, तो प्लीज इसको लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है भाई, इसको तो बिल्कुल करें आप सब्सक्राइब। ठीक है, और अगर फिर भी कुछ दिक्कत होती है समझने में, और या फिर को और कोई कंसेप्ट है वो समझना है जीडीएनटी से रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं उसको आंसर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।